नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। आगरा राशन डीलर पर लगे बड़े आरोप। आगरा ग्राम पंचायत बिलहरी ब्लॉक फतेहबाद का ये मामला है। लोगों का कहना है, जब से राशन डीलर परसोत्तम को राशन डीलर की दुकान मिली है, तब से एक वर्ष तक राशन ठीक ठाक दिया। इसके पश्चात प्रधानी के चुनाव आने के बाद इस राशन डीलर ने आपस में मतभेद कर लोगों को राशन देना बंद कर दिया और उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए और अपनी मर्जी से अपने हाथ से एक सादा कागज पर अपनी मोहर लगा कर राशन देना शुरू कर दिया, जिससे गांव वाले काफी परेशान हैं। आगरा जिला पूर्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश आगरा ग्राम बिलहरी में श्रीमती रेशमा देवी निवासी गांव बिलहरी बरमोहली अहिर दिनांक 23 जून 2010 को उचित दर दुकान हेतु रेशम देवी के नाम से राशन डीलर हुई थी। अधिकारी के पत्र में दिनांक 13 सात 2010 को अलर्ट हुई थी। लोगों का कहना है, यह प्रशासन की मिलीभगत से परसोत्तम के नाम अलर्ट हो गई है और जिसके नाम से बात हुई थी उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया और उसे राशन नहीं मिलता। वह महिला बहुत ही गरीब है और आंखों से अंधी भी है। ये व्यक्ति का कहना है कि उसके राशन कार्ड नहीं होते, उन लोगों को राशन नहीं देता है और राशन देने के बाद रजिस्टर में एंट्री बाद में करता है और अपनी मनमानी से रजिस्टर को मेंटेन करता है। अरे तो में नाम कर लिया और हो चालीस और हो जाएंगे, फिर 200 रह जाएंगे और उनमें हमारे लोगों का नाम सबसे पहले हुआ। यहाँ तो ये है अंधे नगरी चौपट राजा। क्या कारण है आपका? हमारी माँ अंध रही है और कौन सी वाली? जी भाई चल रही जीते। अच्छा जी, कंट्रोल तुम्हारी माता जी के नाम से? हाँ, भाई जी और जिनने जिनके नाम चली गई है जी। अच्छा। हमने परेशान करवाई लास्ट की। क्यों परेशान करा? हमारे पापा कर को बड़े, मम्मी को बड़े, मैं अपने अपनी है। अच्छा। और यानी कि चासी बीसी से कंट्रोल ली गई है? हाँ, चासी बीसी से गई है जी। और कंट्रोल हमारे नाम उठी और पर्चा दिखाया है तुमने और जो अब जिनके नाम है पर्चा दिखा रही हूँ जब से। अच्छा। खत्म ही हो चुका है तो हमारे पास तो नया कार्ड रखा है। ये क्यों खत्म नहीं हुआ? खत्म ही हुआ नहीं मिलता, आते हैं तो लोग दिन के ना खत्म होएगा जी। हाथों में तो कोरो कागज है। कोरो कागज है ना, इससे क्या हो रहा है? एक मिनट, आप दोनों दिखा लो, पकड़ लो दोनों। ये बनवा लिया हमने, पैसे खर्च कर लिए, तो भी कार्ड नहीं बना, तो भी राशन नहीं मिला हमें। क्या नाम है आपका? मेरा मीरा। कितने समय से राशन नहीं मिला है? क्यों नहीं देते हैं राशन? ये बोलते हैं कि तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। क्यों? पता ही नहीं, पता नहीं राशन नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम मतलब ऊपर से कट चुका है, ऊपर से मतलब नील हो गया है और मुझे गैस सिलेंडर भी कनेक्शन नहीं हुआ इसके वजह से। और बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनका वजीफा भी कट गया इनकी वजह से। राशन नील हो गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। आपके कितने कार्ड हैं? मेरे तो देखो, ये तो मेरे पिताजी का जी वाला। अच्छा। और जी मेरा है, 3 यूनिट मेरे हैं, पिताजी के में 2 यूनिट हैं। अच्छा, तो कितना चावल मिलता है, कितना गेहूं? 5 किलो चावल मिलता है और 15 किलो गेहूं मिलती है। अच्छा, दोनों गेटों में। दोनों। और का है? बस यही है बस। यानी कि 5 किलो चावल मिलता है और 15 किलो गेहूं मिलती है। ये आपको ये बना के प्रधानी ने दिया है या सीधे कंट्रोल वाले ने? आपके घर में कितने मेंबर है? 3 दुकान है, 5 मेंबर है। तो आपको चावल और गेहूँ कितने मिले? ये 15 किलो चावल है, लेना ले रहा हूँ, चावल ले रहा हूँ। ऑनलाइन से कोई निकलवाता नहीं है, हमारा मतलब होता है सीधा पर्ची है, हमारे पास ये नंबर है, तुरंत उसके नंबर दे के तुरंत बता। ऐसे व्यक्ति कितने हैं कंट्रोल पे जो कागज है कि चावल ही लेते हैं, बहुत से गेहूं लेते हैं, चावल क्यों नहीं? ऐसे जिनकी मन इच्छा होती है, मेरी बात सुनो, जे गांव है, हमारा फर्ज होता है, हमारा फर्ज होता है कि जनता को किसी तो से हमें गेहूं देना पड़ता है। और कोई आदमी जो कहता है कि भैया मुझे चावल, हमारे घर पे गेहूं है तो चावल चाहिए, तो मुझे चावल ही देना पड़ता है। वो सब जैसे उसका 6 किलो गेहूं।
हमें मजबूरी है तो वो कहता है 10 किलो मुझे गेहूँ दे दो, दूसरा बंदा कहता है मुझे 10 किलो चावल दे दो, तो हमें डिवाइडेड करके दोनों का संतुष्ट करना पड़ता है। तो एक व्यक्तिगत सामान तो बच रहा है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, क्यों मेरी बात सुनिए, अगर 5 इनो डेस के तो आप उसको गेहूँ कितना दोगे? आप 15 किलो गेहूँ देंगे उसे और 10 किलो चावल देंगे, अगर 2 यूनिट वाला होता है। मेरी बात सुनिए, 10 किलो आप उसने चावल नहीं लिए? नहीं लिए। ठीक है, तो आप गेहूँ कितना दोगे? 25 किलो है। 25 किलो आप एंट्री है आपके पास? हाँ बिल्कुल, हम तो एंट्री रजिस्टर दिखाते हैं। एक सेकंड सुनो, तुम्हारे कार्ड पे तुम्हारा राशन मिलता है? बिल्कुल ना, मेरा आदमी आदल दिना ना रहता, मैं तुम्हें काम काट दो। एक सेकंड, कार्ड आदमी खत्म हो गया, उसका यूनिट आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो केवल राशन कार्ड। एक सेकंड सुनो, पूरा कार्ड भी कैंसिल होता है। मेरी एक सेकंड सुनो, पहले मैं इनसे चल रही, मैं भी बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी मृतक होता है उसके नाम से राशन कार्ड है वो कैंसिल माना जाता है। फिर भी मैं उस कार्ड को केवल आधार कार्ड नहीं लगाया तब तक के लिए इनका कार्ड मैंने सस्पेंड नहीं होने दिया, मैं इन्हें राशन देता हूँ, केवल वो एक राशन यूनिट कैंसिल कर रहा हूँ। किसका अधिकार है जो इनका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है? जी HDM साहब का, HDM साहब उसके बाप का मामला है, CLM का। जब आदमी का मृतक हो जाता है, पहले बात से मेरी बात सुनिए, अगर मृत हो चुका तो उसके परिवार में और भी तो व्यक्ति हैं, केवल उसका, फिर मेरी बात सुनिए, उसका कार्ड अगर मृत हो जाएगा उसकी पत्नी के नाम से दूसरा कार्ड बनेगा। वो सिर्फ कौन करा सकता है? राशन डीलर का रख सकता है जो मृत्यु सर्टिफिकेट उनको दो, दूसरा कार्ड बनेगा वही उसी का बेबी के नाम से चढ़ जाएगा, दूसरा चढ़ेगा। मशीन अभी हमें नहीं, तो फिर मशीन का कैसे कह रहे हो आप? कैसे मशीन आ रही है, तो अंगूठे वाली मशीन आ रही है ऑनलाइन है, मशीन कोई अलाउड मशीन नहीं है ना? अभी नहीं अलाउड, बिल्कुल मशीन नहीं है। तो आप मशीन का फेड के हो, कैसे कैसे कह रहे हैं? मशीन का हम कौन बता रहा फेड, अभी तो रजिस्टर में फेड हो रहा है, मशीन को मशीन फिट है ना? नहीं, आप क्या करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए? क्या करते हैं? कितना पैसा मिलता है? यानी पूरे महीने में कितने दिन काम करती है?